कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, सबसे पहले कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर यूजुअली फाउंड बाय द ट्रांजिशन मेटल्स, यानी डी ब्लॉक के मेटल्स के द्वारा बनाए जाने वाला एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा, एक कंपाउंड होगा, इन विच मेटल एटम्स और आयंस आर बाउंड टू अ नंबर ऑफ एनायंस और न्यूट्रल आयंस, ठीक है, और वो उसकी वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं। तो वर्नर ने इस रेस्पेक्ट में एक थ्योरी दी थी। वैसे कॉमन एग्जांपल अगर आप समझना चाहते हैं कॉम्प्लेक्स के, तो कॉमन एग्जांपल में हमारा हीमोग्लोबिन हो सकता है, और हीमोग्लोबिन के अलावा जैसे विटामिन B12 वगैरह, तो ये क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और इसमें एक मेटल होता है बीच में, ठीक, जैसे हीमोग्लोबिन में आयरन होता है बीच में, अब वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ऐसे ही एलिमेंट्स के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होता है। और इसीलिए ये चैप्टर डी ब्लॉक के बाद हम पढ़ते हैं, ताकि डी ब्लॉक की नॉलेज हमें है, और उसके बाद जो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहे हैं इसको हम समझ पाएंगे। अचानक से अगर कहीं से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ जाएगा तो समझना मुश्किल है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए वर्नर ने, अब वर्नर अल्फ्रेड वर्नर ये स्विट्जरलैंड के एक केमिस्ट थे, इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट बताया। उसमें सबसे पहले इन्होंने तो ये कहा कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बीच वाला मेटल एटम होगा उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह की लिंकेजेस बनेंगे, प्राइमरी लिंकेज और सेकेंडरी लिंकेज। प्राइमरी लिंकेज और सेकेंडरी लिंकेज जो बनेंगे उसको प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी कहेंगे। तो उसको लेकर के उन्होंने कुछ थियरी प्रपोज किया और उसके कुछ मेन पोस्टुलेट्स हम देखते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो तरह के लिंकेजेस होंगे, एक होगा प्राइमरी और दूसरा होगा सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी लिंकेज को प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसेज भी कहते हैं, ठीक है। सेकेंड इस पोस्टुलेट का सेकेंड पॉइंट ये है कि ये जो प्राइमरी वैलेंसेज हैं ये आराम से आयोनाइज हो जाते हैं, आयोनाइजेबल है, और इसके अलावा ये किसी न किसी नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई हो जाते हैं, किसी न किसी नेगेटिव आयन से ये इजिली सेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक। तो सेकेंड पॉइंट क्या हो गया कि प्राइमरी वैलेंसेज आयोनाइजेबल है और किसी नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई हो जाते हैं। थर्ड वाला होता है सेकेंडरी वैलेंसीज, थर्ड पॉइंट है इसका पोस्टुलेट का कि सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल, नॉर्मली ये आयोनाइज नहीं होंगे सेकेंडरी, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है या तो ये किसी न्यूट्रल एटम से और या फिर किसी दूसरे नेगेटिव आयन से जाके ये सेटिस्फाई होंगे की वैलेंसीज, या तो न्यूट्रल से या किसी नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होते हैं, लेकिन प्राइमरी में एकदम फिक्स रहता है कि ये नेगेटिव आयन से ही बैलेंस होगा, इसलिए हैलोजन कंपाउंड्स भी देखने को बहुत मिलते हैं यहाँ पे। इसके अलावा फोर्थ पोस्टुलेट, द आयन्स ग्रुप्स बाउंड बाय द सेकेंडरी लिंकेजेस टू द मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेशल अरेंजमेंट्स, ठीक है, यानी जो सेकेंडरी लिंकेजेस के थ्रू मेटल से बनते हैं जो भी आयन्स मेटल्स, उनका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, एक वो ज्योमेट्रिकल हिसाब से एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है। स्पेशल का मतलब होता है कि कैसे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए हैं और बंधे हुए हैं, तो इस तरह से स्पेशल अरेंजमेंट होता है। और इस तरह के स्पेशल अरेंजमेंट को कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा या कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा भी कहते हैं, ठीक है। सो इस तरह के लिंकेजेस को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहा जाता है। तो ये है वर्नर के कुछ पोस्टुलेट्स, बाद में इसको और बढ़ाया गया, अलग अलग टर्म्स है, उसको हम लोग अभी बारी बारी समझेंगे।